मिलन से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के तारीफ की, कहा यूक्रेन युद्ध को लेकर मोदी गंभीर, जब भी मिले युद्ध पर जताई चिंता, मैं उनका आभारी। विकास यादव को लेकर भारत ने अमेरिका को दिया करारा जवाब, का विकास यादव भारत सरकार में नहीं करता काम, अमेरिका ने पन्नू की हत्या में विकास यादव का हाथ होने का किया था दावा। इसराइल पर हिजबुल्ला के ड्रोन हमले के बाद नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी, कहा हिजबुल्ला पर अंतिम जीत तक जारी रहेगी जंग, इसराइल को रोकना असंभव। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, हिजबुल्ला के हथियार डिपो को किया तबाह, आईडीएफ का दावा हिजबुल्ला ने स्कूल में छिपाए थे हथियार, रिहायशी इलाकों में छिपाए थे मिसाइल और गोला बारूद। लेबनान से हिजबुल्ला ने इजराइल पर दागे ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा रॉकेट हमले में एक की मौत, 10 लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना ने बेरूत पर किया हवाई हमला, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना, बेरूत से नागरिकों को निकलने के बाद आदेशों के बाद किया हमला। हिजबुल्ला द्वारा ड्रोन हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया, बोले कोई भी चीज हमें रोक नहीं पाएगी, हम पूरी जीत तक जंग जारी रखेंगे। यूक्रेनी कैद से रिहा हुए रूसी सैनिक, रूस के साथ युद्धबंदी अदला बदली में 95 रूसी बल सैनिकों को रिहा किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैनिकों से युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने का आह्वान किया, जिनपिंग ने पीएलए ब्रिगेड का निरीक्षण कर युद्ध क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रूसी सैनिकों ने जापोरिजिया पर किया हमला, हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर। इजराइल का हिजबुल्ला के गढ़ पर हमला, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सुरंग नष्ट किया गया, हिजबुल्ला के रेडवान फोर्स का था ये सुरंग। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान, कैसे ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कैसे हिजबुल्ला के सुरंग को नेस्तनाबूद किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेडवान फोर्स का ये सुरंग था जिसे तबाह कर दिया गया है, जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ का हवाई हमला, तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार युद्ध के मैदान में अभी भी वार पलटवार का दौर जारी है, लगातार देखिए हमले किए जा रहे हैं दक्षिणी लेबनान पर, आईडीएफ का हवाई हमला, हवाई हमले की तस्वीरें भी सामने आई है, हवाई हमले की तस्वीरें सामने आई दक्षिणी लेबनान पर। हिज के रेडवान फोर्स का टॉप कमांडर ढेर हुआ है, टॉप कमांडर जो ढेर हुआ उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए रिपब्लिक भारत दिखा रहा है, बासिल मुस्तफा शुकर था कमांडर का नाम जो यहां पर ढेर हुआ, तस्वीरें जारी की गई दक्षिणी लेबनान पर, आईडीएफ का हवाई हमला इस समय लगातार जारी है, कई ऐसे इलाके जहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद में हिंदू धार्मिक स्थल और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और बदले में सरकार की तरफ से पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हैदराबाद में मचा हाहाकार, सनातनियों पर क्यों प्रहार, तेलंगाना में हिंदू संगठनों के तेवर सख्त हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। रेवंत रेड्डी की पुलिस ने सनातनियों पर डंडे इसलिए बरसाए क्योंकि वो हैदराबाद के मंदिरों में मूर्तियों से छेड़छाड़ का विरोध कर रहे थे, मंदिरों में आस्था से खिलवाड़ के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। 14 अक्टूबर को भी प्रदर्शन किया गया था और 19 को भी प्रोटेस्ट हुआ लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। हैदराबाद के श्री मुथिया लम्मा देवी मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों और आम लोगों पर लाठीचार्ज से बीजेपी में नाराजगी है।
मंदिर में सिर्फ एडिल को तोड़े ही नहीं, माता रानी का मूर्ति को रोड पे लेके आकर फेंक कर उसके ऊपर पैर से कुचल कुचल कर तोड़ दिया है। पिछले हफ्ते 15 दिन से एक नहीं दो नहीं 10 से ऊपर मंदिर तोड़े गए और कांग्रेस के प्रशासन यहाँ कुछ बात नहीं करती। तो अक्टूबर महीने में हैदराबाद में मूर्तियों को खंडित करने के दो मामले सामने आए। पहली घटना नामपल्ली में हुई जहां प्रतिमा खंडित की गई। मंदिर में मूर्तियों से छेड़छाड़ के खिलाफ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी प्रदर्शन किया। दूसरी घटना सिकंदराबाद के मोंडल डिवीजन में हुई। यहां मुथियालामा मंदिर में सलमान सलीम नाम के शख्स पर तोड़फोड़ का आरोप लगा। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंदिर परिसर का दौरा किया था। एक मुस्लिम के समुदाय के एक व्यक्ति मंदिर में अपमान करते हुए घुसकर माताजी को उठाकर अपमान किया है, डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रयास किया है। ये बहुत हैदराबाद शहर के लिए, हिंदू समाज के लिए अपमान मानते हैं। नामपल्ली मंदिर में घटना पर पुलिस ने कहा था कि भूखे शख्स ने प्रसाद के लिए एंट्री ली जिसमें प्रतिमा खंडित हुई, लेकिन जब सिकंदराबाद में ऐसी वारदात हुई तो लोग भड़क गए। बीएसपी बजरंग के कार्यकर्ता भी हाथ में झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है, लेकिन लोगों ने आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाकर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, जिससे हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये मामला शांत होगा या भड़केगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।